everyone, welcome back to my channel Kajal Singh. So guys, after long I'm back to my channel. उसके लिए sorry guys, because मेरे exams चल रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो दिवाली भी गई और आज भाई दूज है, तो मैंने सोचा अपने मॉर्निंग केयर रूटीन में आप सबके साथ शेयर करूँ. तो मैं आज अपने बायोटिक प्रोडक्ट्स के साथ अपनी मॉर्निंग केयर रूटीन शेयर करूँगी. गाइज, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है. तो गाइज, आई एम शूटिंग एट 8 AM इन द मॉर्निंग फॉर यू गाइज, एंड यू कैन सी बारिश हो रही है आज. तो सो गाइज, व्हाट अ प्लीजेंट वेदर. सो चलो, मॉर्निंग केयर स्किन रूटीन हम शेयर करने जा रहे हैं आप लोग के लिए. लेट्स गेट टू द वीडियो गाइज. अभी मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है, बस मैं अभी सो के उठ रही हूँ. तो मैं आप सबके साथ अपनी फेस केयर रूटीन शेयर करने जा रही हूँ और वेदर बहुत ही अच्छा है तो मुझे शूट करने में मजा आ रहा है. लेट्स गो. सो गाइज, हमारा फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले हम करेंगे फेस क्लींजिंग. सो मैं यूज करूंगी बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा बायो हनी जेल, एंड गाइज इट्स our refreshing So guys, मैं फेस वॉश कर रही हूँ, you can see. So हमारा सेकेंड स्टेप है स्क्रबिंग. गाइज, मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया है जो कि क्लिनजिंग था. अब सेकेंड स्टेप है स्क्रबिंग. सो गाइज, मैंने बायो तो गाइज मैं अपना पुराना वाला हिमालय का यूज़ करूँगी फेस स्क्रब. ये भी अच्छा है, नीम फेस स्क्रब. गाइज, आपको मतलब वीक में एटलीस्ट 2 टाइम्स तो स्क्रबिंग करना ही चाहिए. गाइज, हमारा सेकेंड स्टेप भी डन हो चुका है स्क्रबिंग. और स्क्रब के बाद हम जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है फेस मास्क. तो गाइज, ये जो मैं फेस मास्क है मेरा, उसको मैं ग्राइंड करके रख चुकी हूँ और इसमें मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिक्स किया हुआ है मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. ये बहुत ही अच्छा DIY है गाइज. मैंने इसको अप्लाई करके देखा है मेरे स्किन पे अप डाउन करते हुए. मींस कि हमको डेली बाहर निकलना रहता था तो मतलब फेस पे बहुत टैनिंग आ गई थी और मैंने इसी DIY के हेल्प से मेरे फेस की सारी टैनिंग चली गई है. तो गाइज, जानते हो बिजी तो सभी रहते हैं तो उनको भी टैनिंग होती होगी. तो ये DIY मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी. तो फिलहाल मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करने जा रही हूँ. तो मैं इसको थोड़ा सा क्वांटिटी में इस बाउल में लूँगी. गाइज, इसकी DIY मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी और मैं ऐड करूँगी इसमें VLCC का रोज़ वाटर. तो गाइज, ये मिक्स हो चुकी है.
अब मैं इसको अप्लाई करने जा रही हूँ। तो गाइस हमारा फेस कुछ भी होता, सो गाइस फेस पैक हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है टोनिंग। तो गाइस मैं यूज करूंगी, तो गाइस हमारा नेक्स्ट स्टेप है टोनिंग। तो बाय वन हम सारे स्टेप्स कर रहे हैं। तो ये है मेरा टोनर जो कि बायोटिक का है, कुकम्बर टोनर। इसको मैं यूज करूंगी विद कॉटन बर्ड्स। तो आपको क्या करना है, पहले मैं फेस को अच्छे से ड्राई करूंगी। इट इज़ वेरी रिफ्रेशिंग एंड बहुत ही अच्छा है, और ये पोर टाइटनिंग बहुत ही अच्छे से करता है। तो सो गाइस मेरा टोनिंग मैंने कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप तो था सीरम लगाने का, बट ये मॉर्निंग टाइम है तो सीरम लगाने का कोई मीन्स नहीं है। जब मैं अपना नाइट केयर रूटीन शेयर करूंगी उसमें आपको बताऊंगी कि आप क्या क्या यूज़ करके नाइट में लगा सकते हो, और देन आपकी स्किन मॉर्निंग में कितनी ग्लोई और शाइनी होगी। सो गाइस मेरा यूट्यूब वीडियोज चेकआउट करते रहना, और हाँ गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो हमारा नेक्स्ट स्टेप है मॉइस्चराइजर। तो मैं बायोटिक का ही बायो विंटर चेरी क्रीम यूज़ करूँगी। ये बहुत ही अच्छा है और आपके स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है। सो गाइज अगर आपको बाहर निकलना है और आपको जैसे बहुत जल्दी है और लाइट मेकअप करना है, तो बस उसके बाद क्या करती हूँ, इतना प्रोसेस करने के बाद मैं बायोटिक का ही बायो नेक्टिव फ्लॉलेस क्रीम है ये मैं लगाती हूँ, जो कि SPF 30 है और UVB सनस्क्रीन है। तो गाइज अब देखो ये बहुत ही अच्छा क्रीम है गाइस, आपको विंटर में तो इसको और इसको ज़रूर परचेज करना चाहिए। अगर आप कुछ भी नहीं परचेज करें तो ये दोनों आपके स्किन को सेफ रखेगा। तो ये मेरा लास्ट स्टेप है। तो गाइस ये मेरा लास्ट स्टेप है, और इसके बाद आप अपने फेस पे अगर पाउडर लगाना चाहते हो तो लगा लो। मैं तो पाउडर नहीं लगाती हूँ ज़्यादा, सनस्क्रीन लगा के मैं बाहर जाती हूँ। एंड आपको अपने फेस केयर में लिप केयर भी करना मस्ट है। तो बस ये मेरा फेस केयर का लास्ट स्टेप था। अब मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करूँगी। दैट्स इट।
And guys, don't forget to apply on your neck area. Look at guys, how much it is shining. तो ये मेरा हो गया है। So guys, हमने अपना फेस केयर तो कर ही लिया है, बस लास्ट स्टेप है फेस केयर में आपका। मॉइस्चराइज़ योर लिप्स। सो ये सैक का लिप मॉइस्चराइज़र है, आपको आराम से ऑनलाइन साइट्स पर मिल जाएगा। आप किसी भी साइट पर चेक कर सकते हो, स्मिटन पर चेक कर सकते हो, शुगर पर चेक कर सकते हो एंड नायका पर चेक कर सकते हो। आपको आराम से लिप बाम कोकोनट लिप बाम है एंड गाइज मैंने इसको अप्लाई किया है और ये बहुत ही अच्छा लिप बाम है, तो क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है। That's it and this is my morning care routine. So मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। अगर आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हाँ, don't forget to subscribe my YouTube channel. So guys, अब मैं continue रहूँगी और मैंने late post किया उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। So guys, मिलते हैं next video में। ये था मेरा आज का video, तब तक के लिए bye, take care, love you all.